हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सिर्फ मैंने एक वीडियो से यहाँ पे 2600 सब्सक्राइबर प्लस मन यहाँ पे मेरे एक वीडियो से 2600 सब्सक्राइबर मिले हैं सिर्फ एक वीडियो से, और वहाँ पे 7000 घंटा का वॉच टाइम भी मिला है सिर्फ एक वीडियो से। सिर्फ एक वीडियो से मुझे 7000 घंटा का वॉच टाइम मिला है और 2600 सब्सक्राइबर भी मिले हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, देखिए दोस्तों, आप लोग करते क्या है, आप लोग अपने चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आप लोग करते क्या है, किसी जो मतलब बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पर लोग बताते हैं कि ये वाला एप्लीकेशन यूज करके ये वाला मतलब इस तरह के मतलब को बहुत से ऐसे ट्रिक लोग बताते हैं कि इस तरह के इस ट्रिक को यूज करके आप अपने चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं। तो आप लोग उसमें आपका जो टाइम है वहाँ पे आपका टाइम ज़्यादा चला जाता है। आप अपने चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में अपना टाइम बहुत ही ज़्यादा बर्बाद कर देते हैं। तो आप लोग को देखिए दोस्तों, आप लोग अपने टाइम को बर्बाद नहीं करना है। जो टाइम आप उसमें बर्बाद करें वो टाइम आपको ये सोचना है कि हमको कौन सा ऐसा टॉपिक पर वीडियो बनाना है, जो मैं वीडियो बनाऊँ सबसे यूनिक हो, मतलब सबसे अलग वीडियो हो और हमारा वीडियो लोगों को पसंद आए, इस तरह का आपको एक ऐसा वीडियो बनाना है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाया था पिक्सल में फंड कैसे ऐड कर, मतलब पिक्सल में कोई फंड ऐड कैसे करें, तो मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया था। और ये जो मैं यहाँ पे वीडियो बनाया था बहुत ही ज़्यादा मतलब कम से कम 2.5 लाख से ऊपर ये लोगों ने मेरे वीडियो को देखा है, और इस वीडियो से मुझे 7000 घंटा का वॉच टाइम भी मिला है और प्लस वहाँ पे 2600 सब्सक्राइबर भी मिले हैं। तो यहाँ पे क्या दोस्तों, मैं बहुत सारे मतलब जब भी मैं ये वीडियो बनाया था उस टाइम पे मतलब बहुत सारे लोग पिक्सल में पोस्टर डिजाइनिंग ये सब करने के बारे में लोग सर्च करते थे। अभी भी हमारे उस वीडियो पे कम से कम 1000 का रियल टाइम यानी है, यानी 1100 तक का उस पर रियल टाइम है, अभी भी उस पर बहुत से मतलब व्यू आता है। तो इस तरह से मतलब आपको कोई ऐसा टॉपिक में वीडियो बनाना है कि जिससे आपका वीडियो वायरल होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाए, और उस पर आपको मेहनत करना है। इसलिए नहीं कि आप किसी एप्लीकेशन के किसी जो लोग बता रहे हो सबको फोर करके मतलब किसी को कमेंट करके कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, तो इस तरह से आप लोग अपना टाइम बहुत बर्बाद कर रहे हैं। आप लोग जितना टाइम उस पर दे रहे हैं ना, उतना टाइम आपको अपनी इस टॉपिक पर सोचने पर लगा दीजिए, मुझे कौन सा टॉपिक पर वीडियो बनाना है, जो मैं वीडियो बनाऊँ तो लोगों को पसंद आए और जो लोग मेरे वीडियो को देखें उनको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब कोई आप अच्छा एक वीडियो बनाएंगे, जब आपका कोई भी वीडियो एक वीडियो और वायरल हो जाता है तो उससे आपको कितने सब्सक्राइबर आएंगे आपको अनुमान नहीं लगा सकते। आपको एक दिन में 100 भी आ सकते हैं, 200 भी आ सकते हैं, 300 भी आ सकते हैं, इस तरह से आपको 1000 भी सब्सक्राइबर एक दिन में आ जाता है जब कोई भी आपका वीडियो वायरल हो जाता है। तो आप लोग देखिए दोस्तों, जितना टाइम आप उस पर लगा रहे हैं उसमें देखिए उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है आपको। तो आप लोग देखिए दोस्तों, आप लोग को करना क्या है, आप लोग अपने वीडियो में अपनी वीडियो जो भी कंटेंट बना रहे हैं किसी भी टॉपिक पर आपका वीडियो, चाहे कॉमेडी का हो, चाहे टेक के रिलेटेड, चाहे पोस्टर डिजाइन, किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो बनाते हो तो उस टॉपिक में कुछ ऐसा वीडियो बनाइए जो सब लोग उस वीडियो को सोचते हैं, सर्च करते हैं। इस तरह का आपको सर्चेबल टॉपिक पर वीडियो बनाना है कि जो भी लोग सर्च करें तो आपके वीडियो उनके सर्च रिलेट में आए और आपके वीडियो को देखें। जब लोग आपके वीडियो को देखेंगे तो आपका वीडियो अच्छा लगा तो उनके चैनल में आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो आप लोग इस तरह से कीजिए। देखिए दोस्तों, आप लोग किसी की भी बातों में मत आकर कोई एप्लीकेशन में यूज करते हैं, कोई उसमें पैसा एडवर्ट वहाँ पे पैसा डाल के बोलते हैं कि आप यहाँ से इस एप्लीकेशन में इतना पैसा डाल को कैंपेन रन कराकर आप अपने सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं, तो ये सब गलत तरीका है। समझ, आप 1000 सब्सक्राइबर उससे बढ़ा भी लेंगे, फिर बाद में आप कोई वीडियो अपलोड करें तो आपकी वीडियो में व्यू नहीं आएगा, तो फिर 1000 सब्सक्राइबर का कुछ मतलब नहीं रह जाएगा। तो आप लोग खुद का कंटेंट बनाइए और वहाँ पे खुद से मेहनत कीजिए, और खुद से जो आपके वीडियोस पे सब्सक्राइबर आएंगे ना तो हमेशा आपके चैनल पे बने रहेंगे, और आपके वीडियो को जो देखकर आपके वीडियो को जो पसंद करके आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वो कभी भी आपके वीडियो को देखेंगे। तो इस तरह से अगर जो रियल सब्सक्राइबर आप लेते हैं तो आपके आगे कभी भी आपको कभी भी किसी भी तरह का आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से यही फायदा रहता है जब आपके कोई वीडियो वायरल होता है और उससे आपके चैनल पर सब्सक्राइबर आता है। तो देखिए दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है सिर्फ कि आप लोग अपने वीडियोस पे ध्यान दीजिए, अपने कंटेंट पे ध्यान दीजिए, मतलब किस टॉपिक पे आपको वीडियो बनाना है उस पे ध्यान दीजिए। आप लोग इस पे मत ध्यान दीजिए आपको कौन सा ट्रिक यूज करना है, कौन सा क्या करना है जिससे मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाए। देखिए दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में जब अपना चैनल बनाया था तो मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कम से कम पूरा होने में कम से कम 2 महीना से ज़्यादा लग गया था। तो मैं डेली वीडियो अपलोड करता था, मैं ये नहीं देखता था कि हम मेरे चैनल पे कितना सब्सक्राइबर है, कितने व्यू आ रहे हैं, मैं ये सब नहीं देखता था। बहुत सारे लोग बोलते थे कि हाँ आप तुम्हारे वीडियो पे व्यू नहीं आ रहा है, तुम ऐसा बता रहे हो ऐसा बता रहे हो। तो देखिए, इस सब पर आपको ध्यान नहीं देना, आपको अपनी वीडियोज़ को अपलोड करते रहना है।
जब भी आपका कोई भी एक वीडियो अगर वायरल हो जाता है, समझ लीजिए उस वीडियो की वजह से आपका चैनल भी बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो जाएगा, और उसके उसके वजह से आपके चैनल पर जितने भी वीडियोस रहेंगे उन सब पे व्यू आने लगेगा। तो इस तरह से आप लोग कीजिए, किसी मतलब किसी की भी बात में अगर किसी भी ऐप के या किसी के बारे में मतलब उस पर अपना टाइम मत बर्बाद कीजिए। आप लोग कोई ऐसा टॉपिक पर वीडियो बनाएगी जो सर्चेबल है, जो वहाँ पर आप लोग वीडियो जो किसी भी कैटेगरी का आपका वीडियो है उस तरह का आपको यहाँ पे बनाना है। उसके बाद देखिए दोस्तों आपके चैनल पे डेली सब्सक्राइबर आएंगे। तो इस तरह से आप लोग करिए, किसी ऐप के चक्कर में मत पड़िए। तो दोस्तों आपको अब हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी ऐसा वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप देख सकें।